प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से 10 वंदे भारत ट्रेन सहित अन्य रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में रतलाम प्लेटफॉर्म पर बीजेपी नेता मौजूद रहे, साथ ही काफी संख्या में छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। रतलाम मंडल की रतलाम स्टेशन पर एक उत्पाद स्टॉल जन औषधि केंद्र का भी शुभारंभ हुआ। इसके अलावा गुड्स शेड्स का लोकार्पण कार्यक्रम भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद से रेलवे के आधुनिकरण के लिए तकरीबन 85,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का जो है शिलान्यास किया है, उसमें रतलाम भी है। रतलाम में भी जो है दो शिलान्यास किए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त ग्रामीण विधायक है रतलाम के, मथुरालाल डामर साहब। सबसे पहले तो उन्हीं से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री ने जो आज भारतीय रेल के आधुनिकरण के लिए 85,000 करोड़ की परियोजना शुरू करिए, क्या आपने पूरा अभी भाषण सुना है उनका, क्या कहते हैं? क्या जनता के हित में जो 10 साल में जो काम नहीं हुए थे, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल के अंदर जो रेलवे की गति बढ़ाई है, ये बहुत जनता के हित में ये काम विकास हुआ है। रेलवे लाइन भी बढ़ाई है, डब्बे रेलें भी बढ़ाए हैं, जनता के हित में बहुत विकसित भारत मोदी जी की गारंटी का जो काम चल रहा है भारत में दिखाई दे रहा है। अच्छा, बात कई ऐसी बातें की हैं मोदी जी ने, अयोध्या को लेकर के बताया कि 4.5 लाख जो लोग हैं तकरीबन उन्होंने यात्रा की है, कुछ और ट्रेनें बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 10 वंदे भारत ट्रेन को भी जो है उन्होंने हरी झंडी दी है। आपको लगता है कि मुंबई से लेकर के दिल्ली तक अभी हमारे पास वंदे भारत ट्रेन नहीं, तो आप बात करेंगे, मांग करेंगे? कुछ मांग करेंगे, जनता के हित में बोल रहे हैं, और भी वंदे भारत रेल बढ़ाएंगे। जो 500 वर्ष पहले से राम जन्मभूमि मंदिर का चला आ रहा था, जो मोदी जी के कर काम लो जनता के जो सहयोग से जो उन्होंने रामलला मूर्ति जो 22 जनवरी को जो मंदिर भाई बन के जो आज श्रद्धालु अपार जा रहे हैं, भाजपा की सरकार ने जो कर दिखाया, मोदी जी का जो विश्व में डंका बज रहा है। तो बिल्कुल बता रहे थे कि मोदी जी का जो है वह विश्व में डंका बज रहा है, और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा आप देखेंगे तो कई लोग हैं यहाँ पर, खासकर जो है अगर मैं बताने यहाँ पर बैठूँगा तो बहुत सारे यहाँ पर छात्र जो हैं, खासकर स्कूली बच्चे जो हैं, आपको स्कूली बच्चे हर जगह देखने के लिए मिल जाएंगे। या देखिए कई छात्र यहाँ पर हैं, तो कोई छात्र से हम ज़रूर बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? करण, करण नाम है मेरा। करण, करण, करण। कौन सी क्लास में हो? आई टी आई। आप यहाँ कितने बजे आए थे? हमें आ गए थे 7:30 बजे निकले थे वहाँ से, तो आधे घंटे में आ गए थे यहाँ पे। आपने प्रधानमंत्री का अभिभाषण सुना है, क्या लग रहा है, कैसा लगता है? अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया लग रहा है, अच्छा है, अच्छा प्रोजेक्ट है। किस सब्जेक्ट में आए थे ये पता है? हाँ हाँ बताइए। ये पीएम का लाइव था जो ट्रेन ने चलाई ना पीएम ने, उनके लिए। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चे थे वो बता रहे थे कि वो किस तरीके से यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर बहुत सारी जो है छात्राएं भी हैं, तो हम बात करेंगे। भैया थोड़ा सा एक मिनट आगे ले लें यार, है ना, हम थोड़ा बात कर रहेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप कई छात्राएं हैं। कौन, क्या नाम है आपका? अल्फिया अब्बासी। कौन से स्कूल से हैं आप? रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल। कौन सी क्लास में? 8th। आपको स्कूल वाले लेकर के आए हैं यहाँ पर? यस। तो क्या बताने के लिए लेकर आए थे, क्या देखा है आपने? ये मोदी जी को देखा, जो वो बता रहे वो सुना। कैसा लगा मोदी जी को सुनकर? अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको मोदी जी को सुन करके। आपका क्या नाम है? सानिया खान। आप कौन से स्कूल से? रेलवे स्कूल से। रेलवे स्कूल से जी। तो आज स्कूल की छुट्टी थी क्या? जी नहीं, हमारे स्कूल की वेकेशन हो गया, बट आप आज सर ने बुलाया जी। सुना आपने मोदी जी को, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अच्छा लगा, क्या लगता है अपना देश का विकास और आगे अच्छा होगा? और अच्छा होगा, और अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पर कई छात्र हैं जिनसे हमने बात की है, हालांकि इनको सुबह से जो है 7:30 बजे तकरीबन यहाँ पर लेकर के स्कूल के जो टीचर्स हैं वो इन्हें यहाँ लेकर आए थे, और तकरीबन अभी 10:30 बज रही है, और ये लोग प्रधानमंत्री को सुन करके इनको बहुत खुशी हो रही है। साथ ही जो है स्थानीय जो हमारे ग्रामीण विधायक हैं मसवाल डामर, उनका कहना है कि अभी जो रेलवे में है आगे और भी बहुत कुछ होना बाकी है, और जल्दी वो सब भी होगा। रतलाम से साजिद खान, NDTV।